हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समर मोटर ब्लॉग। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज दिन है मंगल और समय हुआ है 6:45 है और हमने 6:45 काम स्टार्ट किया है। हालांकि आज लेट हो चुके थोड़े से, लेकिन क्या है कि कल भी थोड़ा लेट ही हो गए थे, आते आते काम भी बहुत गंदा रहा था। हफ्ते में एक दो ही दिन अच्छा रहने लगा काम। अब जा पहले तो यह है कि 4-5 दिन काम अच्छा रह जाता था, एक आधा दिन पिट जाता था। अब तो ये लग रहा है कि एक आधे दिन काम अच्छा रहता है, बाकी पिटता ही पिटता है। और चलो आज का देखते हैं क्या होता है, क्या काम करेंगे, कितने घंटे काम करेंगे, कितने की अर्निंग होगी, आज का काम कैसा रहेगा। जैसा कि ईद का त्यौहार आ चुका है, दो त्यौहार कंटिन्यू लगातार आ रहे, मतलब एक साथ ही त्यौहार चालू होने वाले हैं, तो काम तो अभी निकलना चाहिए। पता नहीं हमारे क्यों नहीं निकल पा रहा। बाकी अभी है घर पे, चेक करते हैं डिवाइस को ऑन। ये डिवाइस होगा, आज पूरी जानकारी देंगे आपको कि हमारे पास वैगनार कार है, वैगनार से कितनी अर्निंग हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस अभी हूँ मैं फरीदाबाद में, फरीदाबाद सेक्टर 84। पहली बुकिंग मेरे को बड़ी लंबी मिल गई जो थी 48 किलोमीटर की, और उसका कस्टमर का जो फेयर बना 740 रुपये बना। बाकी मेरे को क्या मिला है ये अभी तक नहीं पता, क्योंकि मेरे को तुरंत यहाँ से एक बुकिंग मिल गई जो है साहिबाबाद गाजियाबाद की। तो अभी चलता हूँ मैं साहिबाबाद गाजियाबाद की तरफ। एक्चुअली अभी तो पिकअप करने जा रहा हूँ, 1.5 किलोमीटर पिकअप है और ये है फरीदाबाद सेक्टर 84। तो गाइस अभी हूँ मैं साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में। आपने देखा मेरे को फर्स्ट बुकिंग जो मिली थी वो फरीदाबाद की मिली थी, जो थी 48 किलोमीटर की, जिसका मेरे को दिया 457 रुपये। इसका ड्यूटी का फेयर नहीं दिखा रहा था और फिर लंबी ड्यूटी थी इसलिए मैंने उठा लिया, नहीं तो इसका उठाने का कोई मतलब नहीं बनता। हालांकि 1.25 घंटे में मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने यही सोचा कि सुबह सुबह लंबी ड्यूटी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, इसको उठा लिया। तो इसका मेरे को मिला 457 प्लस 32 रुपये टोल। 32 रुपये टोल देता है, बाकी कटता वहाँ 35 रुपये है, ये भी बहुत गलत करता है ये। तो फिर उसके बाद मुझे फरीदाबाद से ही मेरे को ड्यूटी मिली, फरीदाबाद 84 से, तो मेरे को मिली साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया की। तो ये है 43 किलोमीटर की ये ड्यूटी थी, जिसमें कि 1.5 घंटा समय लगा और इसने मेरे को दिया 413 रुपये। 413 इसका कारण यही था कि दो टोल इसमें मिलते हैं, यूपी और दिल्ली, तो MCD टोल हुआ और UP टोल हुआ 250 प्लस 35 रुपये उसका फरीदाबाद टोल। तो ये मेरे को मिला इसलिए मैंने इसको भी उठा लिया। अभी समय हुआ है 10 बजे है और अभी हम इंडस्ट्रियल एरिया में, ड्यूटी अभी आ रही थी नोएडा की, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि मैं सोचा मका पहले वीडियो बना लेते हैं इसके बारे में, फिर उठाएंगे आराम से। गाड़ी की रनिंग एक्चुअली देखा जाए तो जैसे 8 बजे के आसपास सी ऑन हो गई थी और जब से चलती चलती आ रही है। तो देखो ड्यूटी मिलती रहती है, अगर आप एक हिसाब से उठाते रहो, छोटी आए बड़ी आए उठाते रहो, मिलती रहेगी आपको ड्यूटी, बहुत मिलेगी। लेकिन अगर आप शाम को कैलकुलेशन करोगे क्या हिसाब किताब पड़ा, आपकी गाड़ी कितनी चली, आप कितना कमाया, तो उसमें आप घाटे में ही रहोगे। तो इसलिए ड्यूटियाँ थोड़ी सोच समझ के उठानी पड़ रही है कि कम से कम 10 रुपये किलोमीटर तो मिले, थोड़ा टाइम वाइम जाम वाम का इलाका ना देखे, क्योंकि अगर 10 रुपये किलोमीटर भी मिल गया और 10-20 किलोमीटर में ही आपको 1.5-2 घंटे लग गए तो उसका भी कोई महत्व नहीं बनता। तो यही चीज है, थोड़ा सोच समझ के ड्यूटी उठाए तो ठीक है, अपना मीडियम से काम हो जाता है। तो अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है। एक्चुअली अभी खाना वाना खाते हैं, थोड़ा सा भूख लगी हुई है क्योंकि सुबह कुछ खा के निकले नहीं थे, अभी खाना वाना खा के जब जाके चलेंगे फिर करेंगे ऑन। तो गाइस अभी आ चुका हूँ एयरपोर्ट, वहां से ड्यूटियां तो बहुत मिल रही थी लंबी लंबी, लेकिन क्या है कि 10 रुपये किलोमीटर भी नहीं पड़ रहा था। फिर मेरे को एक ये ड्यूटी पड़ी 35 किलोमीटर की, जिसका मेरे को मिला 390 रुपये और 100 रुपये का MCD टोल। अभी हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 3। अभी मेरे को जस्ट यहाँ से आते ही ग्रेटर नोएडा की बुकिंग मिली जो थी दिखारा 55 किलोमीटर की, लेकिन 55 किलोमीटर का पैसा कितना दे रहा था, 450 रुपये। 450 रुपये में 55 किलोमीटर जब चलेंगे तो वो 60 किलोमीटर पाता,
तो मैंने नहीं उठाई, मैं कोई फायदा नहीं फ्री में चलने का। अब देखते हैं कहाँ की आती है। ड्यूटी हो रही थी मेरे को राजनगर इंटेंशन की थी, जो थी 49 किलोमीटर की, और फेर दिखा रहा था 400 रुपये। तो भाई इतना भी मत काटो ला कि बिल्कुल ही, देखो 49 किलोमीटर 49.3, और जब चलेगा तो 20-22 किलो 1-2 किलोमीटर और पड़ जाएगा इसमें। तो भाई इतना भी मत काट यार, बिल्कुल ही हद हो गई है। तो भैया आके लौट के पार्किंग में, दो बुकिंग आई थी, दोनों बड़ी बड़ी 40-40, 50-50 किलोमीटर की। एक थी 55 किलोमीटर की और एक थी 40 किलोमीटर की। लेकिन जब फेरी नहीं है तो क्या फ़ायदा उठाने का, 400 रुपये में 55 किलोमीटर कौन लेके जाएगा भाई। अभी है उबर पार्किंग वाला, पार्किंग में देखो गाड़ियों की, के देखो कैसे लाइन लगी खड़ी है, जिधर देखोगे उधर लाइन लगी खड़ी है सभी को। इस समय हुआ है 3:30। अब ये देखो मैंने 11 बजे के आसपास सी वो बुकिंग छोड़ी थी एयरपोर्ट पे, और 11 बजे से एयरपोर्ट पे घूमते 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 मुझे समय हो गया कितना, 2:15 बजे जाके मेरे को ये बुकिंग मिली है। और जिसका फेर था, फेर तो मैंने दिखाया नहीं है एक्चुअली, हालांकि देख लिया आपने कितना था, जो थी 29 किलोमीटर की राइड और फेर था इसका कुल 262 रुपये। मजबूरी में आके ये राइड उठानी पड़ी, क्योंकि जब 2-3 घंटे में वहाँ घूमते हुए लियर कोई राइड नहीं आई। अब आ गया रेलवे स्टेशन आनंद विहार, आगे रेलवे स्टेशन है, ये बस स्टैंड है। तो गाइस मेरे को मिली थी आनंद विहार के बैक साइड से मिली थी। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद आनंद विहार छोड़ा मैंने, उसके 1 घंटे बाद मेरे को मिली सीधी फरीदाबाद की, जो थी 37 किलोमीटर की, जिसका मेरे को दिया 333 रुपये। अब भैया लंबी ड्यूटी थी इसलिए उठा ली भाई, कि काफ़ी देर तक कोई बुकिंग आ ही नहीं रही है, और जो आ रही है तो कम फेर की आ रही है, तो मजबूरन उठानी पड़ी कम फेर की भी। तो अब देखते हैं, फरीदाबाद में है, डिवाइस ऑन है, और समय हो चुका 6 बज गए और काम अभी तक कुछ हुआ नहीं। अब आनंद विहार में खड़े थे, अब फरीदाबाद में खड़े हुए हैं, आधा घंटा तो हो लिया उनको छोड़े हुए, अभी तक कोई बुकिंग नहीं मिली है। एक बड़ी बुकिंग दे रहा है कम फेर की, और फिर बैठा दे रहा है उनका, बैठ जाओ आराम से। अभी लेके आए वो, देखा कितना कम फेर दिया, अब यहाँ आके बैठ गए, फूकते रहो एसी। अब गर्मी इतनी है, बिना एसी के काम चलता ही नहीं। ये फरीदाबाद, और कौन सा मेट्रो ये, चमकेगा नहीं चमके, अभी हूँ मैं गुड़गांव में सेक्टर 52। फरीदाबाद से मेरे को एक राइड मिली थी जो थी 33 किलोमीटर की, और जिसका मेरे को दिया 334 रुपये प्लस 30 रुपये जो रास्ते में टोल कटा। ये टोल टाल तो खैर साथ के साथ पे करने होते हैं, इसका कुछ नहीं होता। तो अभी हम गुड़गांव में, देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है, डिवाइस हमारा ऑन ही है। हालांकि हमने गो होम लगाई थी फरीदाबाद से, लेकिन गो होम मिली नहीं, और ये मिली है। तो गाइस अभी हूँ मैं सरायकाले खां, गुड़गांव से मेरे को जाते ही एक राइड मिल गई थी 10-15 मिनट के बाद ही, जो थी 34 किलोमीटर की, और जिसका मेरे को मिला है 385 रुपये और 100 रुपये MCD टोल। ये तो टोल तो पे करना होता है वहाँ पे। तो अभी देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है, हालांकि गोहम लगा देता हूँ, अब लोग गोहम लगाया नहीं, इन ड्राइव और रैपिडो में खोला हुआ है। ये है सरायकाले खां, लगाते हैं थोड़ा साइड में। भैया करोल बाग में छोड़ के ड्यूटी, करोल बाग से भी खाली ही जा रहे हैं आज तो, बहुत ज्यादा खराब इसने, ज्यादा टाइम मेरे को खाली खाली रखा। और ड्यूटी अगर मैं दिखाऊं तो टोटल मैंने ड्यूटी उठाई है 7, हालांकि जितनी भी ड्यूटी उठाई सारी बड़ी बड़ी है, लेकिन छोटी ड्यूटी मैंने उठाई नहीं। और चलो बैक टू बैक भैया एक ड्यूटी देकर फिर लंबा रेस्ट देता तकड़े वाला। अभी घर चलना पड़ेगा, ऐसे ही देखो कैसा व्यू कैसा है रात का। और बताओ ये कौन सा रोड है, अरे मैंने करोल बाग बोल दिया ना, तो इसलिए पहचान जाएगा। तो गाइस घर आ चुका हूं मैं,
देखा करोल बाग से मैं आया हूँ खाली एकदम, कुछ भी ड्यूटी नहीं मिली वहाँ से। और आज का जो काम है हमारा वो हुआ 2576 रुपये का। तो 2576 में CNG वही फूकनी है, 800 रुपये की तो फूकी जाती है क्योंकि गर्मी इतनी है, दबा के एसी चलती है भाई पूरा दिन गाड़ी की। तो 800 रुपये की CNG और बाकी और सब किस्ते विस्ते निकाल के वो डेली का बताते हैं यूँ कितना है। तो आज का काम हमारा इतना ही रहा है, 2 दिन हो लिए, 2500 पे बात अटक जाती है। लेकिन 2500 के काम में कुछ नहीं होगा, कम से कम 3000 रुपये का काम चाहिए वैगनार गाड़ी को। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड बाय बाय।